नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज पूरे देश में मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। बिहार के लाल प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। बिहार में जल्द ही 10 आरओबी का होगा निर्माण। बिहार में खुलेंगे 2000 कॉमन सर्विस सेंटर। नुकसान का आकलन करने इस दिन आएगी केंद्र सरकार की टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज पूरे देश में मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 1962 से हर साल देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। वहीं बिहार में भी शिक्षक दिवस की खास तैयारी हो रही है, जिसके तहत बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तक सभी शिक्षकों का कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों के टीचर्स और स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आज कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार के लाल प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे पैरा ओलंपिक खेलों में शनिवार को भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल मैच जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने देश के लिए जारी पैरा ओलंपिक खेलों में 4th गोल्ड मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में बिहार से निकले प्रमोद भगत मेडल जीतने वाले पहले शटलर बन गए हैं। वहीं मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान के फुजिहारा को मात देकर देश के लिए 17वां मेडल सुनिश्चित किया है। इस मैच के पहले सेट में प्रमोद 21-14 से पहला सेट जीत गए थे। आपको बता दें कि दूसरे सेट में 21-17 से प्रमोद ने दूसरा सेट जीता। वहीं प्रमोद भगत ने फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को आसानी से हराया। पांचवें मेडिकल कॉलेज का शुरू होगा निर्माण। बिहार में पांचवें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी अनुमोदन स्वास्थ्य विभाग को मिल गया है। इसका निर्माण को लेकर के वित्तीय वर्ष 2011-12 में केंद्रांश मद से 127 करोड़ 1 लाख राशि भी मिल चुकी है और राज्यांश मद से 50 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि अब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सीतामढ़ी, मधुबनी जिले में झंझारपुर, सिवान, बक्सर और जमुई में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। बाढ़ के नुकसान का आकलन करने इस दिन आएगी केंद्र सरकार की टीम। बिहार में इन दिनों बाढ़ का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार के कई ऐसे जिले अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं जहां बाढ़ की स्थिति भयावह नजर आ रही है। इन सबके बीच अब बाढ़ के नुकसान का आकलन करने केंद्र सरकार की टीम खुद ही जल्द बिहार आने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बाढ़ की वजह से हुई क्षति का आकलन करने केंद्रीय टीम 6 सितंबर को बिहार आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर के सिंह के नेतृत्व में आने वाली इस टीम में 6 सदस्य शामिल रहेंगे। इसके साथ ही जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन और अधीक्षण अभियंता प्रदीप लाल भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जहां केंद्रीय टीम को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। बाढ़ हृदय योजना के तहत 5 महीने में 95 बच्चों का हुआ सफल ऑपरेशन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में बाल हृदय योजना को लेकर अपनी जानकारी स्पष्ट की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बाल हृदय योजना के तहत 5 महीने के दौरान दिल में छेद से प्रभावित 95 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इस योजना के तहत ऐसी समस्या से जूझ रहे 69 बच्चों का 7वां दल ऑपरेशन के लिए बहुत जल्द अहमदाबाद भेजा जाएगा। 21 बच्चों का पहला दल 2 अप्रैल 2021 को भेजा गया था। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था ताकि बच्चों में नई जान आ सके। ज्ञात हो 7वें दल के बच्चों का चयन इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में स्क्रीनिंग के बाद किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को जारी किया निर्देश। बीते दिन पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को अपने अपने जिले के सभी थाना क्षेत्र के लाइसेंसी हथियार और लाइसेंसी हथियारों के दुकान का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है, जो कि बिहार पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जिले में पंचायत चुनाव दूसरे चरण में होना है। सबसे पहले पालीगंज प्रखंड में मतदान होगा। जिला प्रशासन की यही कोशिश है कि इसको लेकर विभिन्न थानों में हथियार का भौतिक सत्यापन करने के लिए तारीख का निर्धारण किया जाए। में बारिश से मिलेगी बिहारवासियों को राहत। बिहारवासियों को बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि बिहार में जून के पहले सप्ताह से ही सक्रिय मॉनसून फिलहाल सक्रिय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राज्य के अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना देखी जा रही है। इसी बीच पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत उत्तर बिहार के जिलों में बारिश की संभावना अधिक है। पूर्वानुमान के अनुसार रविवार और सोमवार को राज्य में बारिश के आसार अधिक रहेंगे। सोमवार को खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर और बांका में अच्छी बारिश
बारिश के आसार हैं। पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खुलेंगे 2000 कॉमन सर्विस सेंटर। बिहार में 10वीं पास महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में जल्द ही 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है, जिसका संचालन शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करने वाली हैं, जिन्हें डीजी राखी के नाम से पुकारा जाएगा। 10वीं पास इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा और उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समूह का काम अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना है। इस बाबत नगर आवास और विकास विभाग के CSC ई गवर्नेंस स्वस्थ इंडिया लिमिटेड के साथ इकरारनामा भी कर लिया गया है। छपरा के पूर्व DSP के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी। बालू माफियाओं के साठगांठ के आरोपित अधिकारियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार के आदेश के साथ ही अधिकारियों के घर और दफ्तर में छापेमारी की वारदात बढ़ती जा रही है। इसी बीच बालू के अवैध खनन और माफियाओं से मिलीभगत के आरोप में पूर्व DSP पंकज रावत के 3 ठिकानों पर बीते दिन EOU ने छापेमारी की। कुछ महीने पहले ही पंकज रावत को बालू माफियाओं के मिलीभगत को लेकर आरोपित घोषित किया गया था, जिसके तहत बीते दिन पंकज रावत के पटना के श्रीकृष्णपुरी और दानापुर के नासरीगंज और नालंदा के हिलसा स्थित उनके पैतृक आवास पर रेड मारी गई। आज बिहारी पोथरी स्पेशल में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी का जन्म आज ही के दिन साल 1976 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। पंकज त्रिपाठी एक भारतीय अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। उन्होंने 2004 में रन और ओमकारा में एक छोटी भूमिका के साथ शुरुआत की। तब से 40 से अधिक फिल्मों और 60 टेलीविजन शो में काम कर चुके हैं। त्रिपाठी को 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म श्रृंखला में उनकी सहायक भूमिका के लिए सफलता मिली। तब से उन्होंने फुकरे 2013 में, मसान 2015 में, नील बटे सन्नाटा 2016 में, बरेली की बर्फी 2017 में, न्यूटन 2017 में, फुकरे रिटर्न्स 2017 और स्त्री 2018 सहित कई फिल्मों के लिए आलोचनात्मक मूल्यांकन मिल चुका है। न्यूटन के लिए त्रिपाठी ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष उल्लेख सहित कई पुरस्कार अर्जित किए थे। बिहार में जल्द ही 10 ROB का होगा निर्माण। बिहार में जल्द ही 10 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। इसकी जानकारी BSRDCL के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अभी बिहार में 10 रेल ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर काम जारी है, जिस पर कुल मिलाकर 438.37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 7 ROB के निर्माण के लिए तकनीकी अनुमोदन के बाद विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेज दी गई है, जो कि राज्य उच्च पथ संख्या 56, 75, 79, 73, 89 और 8 पर होगा। बाकी 3 ROB का निर्माण राज्य उच्च पथ संख्या 98 पर 3 जगह पर किया जाएगा। 538 दिनों बाद शुरू हुई गंगा आरती। बिहार की राजधानी पटना में लगभग 538 दिनों के बाद मां गंगा की आरती का शुभारंभ एक बार फिर से किया गया, जिसके तहत इस बार की आरती कई मायनों में खास नजर आई, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ जब 5 पुरोहितों ने मिलकर मां गंगा की आरती का आह्वान किया और विधि विधान के साथ आरती की। इस दौरान गांधी घाट को पूरी तरीके से सजाया गया था। कोरोना काल में 17 महीने से बंद आरती का शुभारंभ होते ही राजधानीवासी में उल्लास भी देखने को मिला, जिसके तहत शाम के 6:30 से 4:30 बजे तक गांधी घाट पर 50% लोगों की उपस्थिति के साथ आरती का आयोजन करवाया गया, जिसके बाद आज भी इस भव्य आरती का नजारा पटनावासियों को देखने को मिलेगा। इंडो पॉलिश फिल्म ने खींचा बॉलीवुड का ध्यान। बिहार के युवा अभिनेता पॉलिश अभिनेत्री के साथ अपनी पहली फिल्म के साथ सुर्खियों में बने हुए थे। इस फिल्म की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि इसकी गूंज अब फिल्म इंडस्ट्री में भी सुनी जा रही है। यही कारण है कि ध्रुव वर्मा की पहली बार इंडो पॉलिश प्रोडक्शन नो मीन्स नो के साथ बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार यह फिल्म 5 नवम्बर को रिलीज होगी, जो कि एक युवा प्रेम पर आधारित है। ज्ञात हो इस फिल्म को पोलैंड में भी कई जगहों पर शूट किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पटना पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की तैयारियां जारी हैं। इन सबके बीच राजधानी पटना में भी चुनाव को लेकर खास तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है और 141 दरोगा का तबादला भी कर दिया गया, जिसकी जानकारी गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है, वो अपने अपने जिले में तैनात वैसे अधिकारियों का त्वरित स्थानांतरण करवाएं जो एक ही जगह पर 3 साल से जमे हुए हैं। इसी कड़ी में पटना पुलिस के 141 दरोगा को भी एक स्थान से दूसरे थाने में तबादला कर दिया गया है। सम्राट
मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना का लिया पक्ष। इन दिनों बिहार की राजनीति में जहां सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल घोषित करने की होड़ लगी है, वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना भी एक अहम मुद्दा है, जहां भाजपा को इस मुद्दे का विरोधी माना जा रहा था। इसी बीच पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान जारी कर सबको चौंका दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना के विरोधी नहीं है, लेकिन पूरे देश की व्यवस्था को देखना होगा। कुछ एक दिनों पहले बिहार में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से इसको लेकर के मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे। ज्ञात हो सम्राट चौधरी ने उक्त बातें भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कही है। महंगाई को लेकर चिराग ने किया सरकार का घेराव। इन दिनों बिहार में महंगाई की मार के कारण आम जनता परेशान है। इसी बीच बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, जिसके तहत ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया है, जिसके तहत भोजपुर जिले में आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने आरा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है। जिस उम्मीद से लोगों ने एनडीए की सरकार को वोट दिया, सरकार उस पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। हर तरफ महंगाई से लोग परेशान है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से बिहार में मध्यावधि चुनाव के संकेत दिए हैं और कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उपेंद्र कुशवाहा ने यूपी में भी चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बिहार में जदयू के संगठन को मजबूत करने की होड़ में लगे उपेंद्र कुशवाहा ने अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर यूपी में भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। थावे रोड में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। पहले एनडीए से बात की जाएगी, अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो चुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर जल्द ही जदयू के बड़े नेता उत्तर प्रदेश कूच करने वाले हैं, जो वहां जाकर यूपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जमीन विवाद को लेकर जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी पर साधा निशाना। राजद कार्यालय की जमीन को लेकर लगातार बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इन सबके बीच अब इस मामले में जदयू और राजद एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह इस मुद्दे को लेकर लगातार घेराव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को ही आड़े हाथों ले लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब भवन निर्माण मंत्री थे तब उन्हें पार्टी कार्यालय की याद क्यों नहीं आई। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से 20 महीने तक भवन निर्माण मंत्री बने रहे थे, लेकिन उन्हें अपने दल के कार्यालय की चिंता उस वक्त क्यों नहीं हुई। जनता बाबू ने जमीन को लेकर सीएम नीतीश पर साधा सीधा निशाना। इन दिनों राजद लगातार राजद कार्यालय की जमीन विस्तार को लेकर मांग कर रहा है। इस बाबत हाल ही में जगदानंद सिंह ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजद का कार्यालय बहुत ही कम ही दूरी पर है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे, जिसको लेकर ही अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वो केवल एक दल के नेता नहीं है, इस राज्य के कानून के रक्षक है। आपको कानून अनुमति देता है कि आप उपयोग की जमीन को जरूरत के अनुसार अंतर परिवर्तित करते रहें। राजद कार्यालय के पीछे की जमीन खाली थी, लेकिन अब उन्हें तोड़कर व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारा कार्यालय काम चलाओ है, लेकिन 2 और 3 फ्लैट से बढ़ाकर जदयू का कार्यालय 66,000 वर्ग फीट हो गया है। देशभर के एयरपोर्ट कर्मियों की सैलरी में हुई भारी कटौती। कोरोना के कारण एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन बंद हो गया है, जिसके कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देशभर में अफसरों और कर्मियों के वेतन में भी इसका असर देखने को मिला है। यही कारण है कि AAI ने अब देशभर के हवाई अड्डों पर पत्र जारी कर कर्मियों के वेतन में शामिल सुविधाओं को 50% तक कम करने का आदेश जारी किया है, जिसका असर पटना, गया और दरभंगा के हवाई अड्डों के दर्जनों कर्मियों पर भी पड़ा है। बिहार के इन तीनों जगहों पर कुल मिलाकर लगभग 250 से अधिक कर्मी कार्यरत है। केवल पटना एयरपोर्ट पर ही अफसरों और कर्मियों की संख्या लगभग 190 है। शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए बतौर ओपनर 11,000 रन। भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने नाम नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। इतना ही नहीं, बतौर ओपनर रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और उन्होंने मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 246 पारी में अपने 11,000 रन पूरे किए और दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित ने मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने 251 पारियों में कुल मिलाकर 11,000 रन बनाए थे।
इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। रतन टाटा के नेतृत्व में 2008 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेंट किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2009 को 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया था। भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार एटीएम के जरिए चेक निर्गम करने की तकनीकी प्रणाली को 2011 में अंतिम रूप दिया गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का जन्म 1986 को आज ही के दिन हुआ था। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जल्द ही इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अपने यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने और उन्हें नई सुविधा देने के लिए लगातार ऐप में अपडेट लाती रही है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं उससे काफी लोगों को झटका लगेगा, क्योंकि एचटी टेक की खबर है कि जल्द ही व्हाट्सएप कई मोबाइल पर काम करना बंद कर देगी, जिसके तहत अगर आपका फोन एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो आपके फोन में जल्द व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड 4.0.4 और पुराने वेरिएंट चलाने वाले स्मार्टफोन यूजर को व्हाट्सएप सपोर्ट मिलना बंद होने वाला है। बिहार में मांग के हिसाब से नहीं मिल रहे बालू। बिहार में बालू की समस्या आम बात है। पिछले 2 साल से बिहारवासी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से इसमें सुधार लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की यह कोशिश रंग नहीं ला रही है। बालू का संकट अभी भी बरकरार है। हालांकि जानकारों की माने तो इसके पीछे 2 अहम कारण ये है कि एक तो बालू घाटों पर माफिया काबिज है और दूसरी तरफ पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलना बड़ा कारण है। बारिश के कारण 3 महीने तक बालू खनन की प्रक्रिया को बंद रखना भी अहम कारण माना जाता है। वर्तमान समय में बिहार में 4 से 5 करोड़ सीएफटी की मांग है। हालांकि इन सब के बीच बिहार में अब नए सिरे से बालू संकट को कम करने के लिए बंदोबस्ती की व्यवस्था हो रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,820 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,050 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास कुमार, राकेश कुमार, गौतम कुमार, सुनील कुमार, धीरेंद्र कुमार, प्रियांशु कुमार, लखन कुमार, अरविंद कुमार, नवीन कुमार, अनिल यादव, सुमन देवी, विजय कुमार, पिंकी कुमारी, राकेश सिंह, पवन कुमार यादव, मिथिलेश यादव, अजय पासवान, विनोद झा, अवकाश विश्वास, संतोष कुमार यादव, कर्मवीर, संजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।